मध्य प्रदेश की महाकाल की नगरी उज्जैन में हुए 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म ने सभी को हिला कर रख दिया। जिस तरह से इस मामले का वीडियो सामने आया उसे देखकर हर किसी का दिल कांप उठा, मानो इस घटना ने हर किसी को झकझोर के रख दिया हो। इस मामले में उज्जैन पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये खबर तो हर किसी को हैरान कर ही रही है, लेकिन जहां एक और इंसानियत को मरते हुए हम सबने देखा तो दूसरी ओर इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। इस मामले में महाकाल के प्रभारी इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने जो दरियादिली दिखाई उसका हर कोई कायल हो उठा। समाज में एक अच्छा संदेश गया और ना जाने कितनों के लिए ये मिसाल बनी। प्रभारी इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने पीड़ित बच्ची की जिम्मेदारी उठाने की बात कही है, उसे गोद लेने की बात कही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पीड़िता की जिम्मेदारी लेने वाले कौन हैं अजय वर्मा। आपको बता दें कि अजय वर्मा मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं। फिलहाल वो उज्जैन में महाकाल पुलिस स्टेशन के प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं। वो इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। अजय वर्मा फिलहाल इस मामले की जाँच अधिकारी भी हैं। जहाँ ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर वो भी सुर्खियों में छाए हुए हैं। आइए अब दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें उन्होंने लड़की को गोद लेने की इच्छा जाहिर की है। जी, बच्ची की मैं स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा और उसके विवाह की बात मैंने उठाई है कि मैं अपने उसमें उसको मदद करूंगा, और मेरे इस छोटे से संकल्प के साथ काफ़ी लोग भी आ गए हैं और मुझे विश्वास है कि काफ़ी अच्छे ढंग से उसकी सारी जिम्मेदारी शीघ्र निर्वहन हो जाएगी। हम शीघ्र ही से अरविंदो हॉस्पिटल में भी वहाँ से छुट्टी मिलने पर हम उसको वहाँ एडमिट कराएंगे और उसका इलाज भी करवा देंगे। कैसे प्रेरणा मिली, क्या पहले भी मदद करते हैं? प्रेरणा मैंने पूर्व में भी मैंने की है। नागदा की एक सूफिया नाम की महिला है, जो मुस्लिम महिला थी जिसके पति ने उसको छोड़ दिया था, उसके विवाह का भी दायित्व हमने उठाया था। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं अपने तरह समाज को उस तरीके से लौटा सकूँ जब जिस तरह समाज ने मुझे बनाया है। आने वाले पीढ़ी है या आपके थाने के लोग, किस तरह से आप प्रेरणा उनको देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मदद नहीं की थी? देखिए, पुलिस विभाग में अगर आप कहें तो पुलिस में जितनी संवेदनशीलता बढ़ती है, इन 3-4 दिनों में ना आईजी साहब सोए हैं, ना एसपी साहब सोए, ना हमारा स्टाफ ना कोई सोया है, लगातार ड्यूटी लगातार कार्य किया है। बच्ची को जो ब्लड भी है वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपलब्ध करवाया, तो संवेदनशीलता हमारे विभाग में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए बड़े बड़े सर्कुलर हमारे डीजी साहब ने जारी किए हैं और बहुत लोगों को सेंसिटाइज किया है इस विभाग में कि वो महिलाओं के अपराधों को लेकर के बहुत संवेदनशील बने। और आप देखिए कि महिला को लेकर के पुलिस विभाग में अति संवेदनशीलता का दौर चल रहा है। बता दें कि प्रभारी अजय वर्मा ने कहा है कि वो लड़की का मेडिकल इलाज, पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक का पूरा खर्चा और उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।